हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे नेशनल इंटरेस्ट। लास्ट सेशन में हमने किया नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग, जिसमें हम कहते हैं कि एक नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक काम करता है। वो जो कुछ भी करता है वो नेशनल इंटरेस्ट को, अपने ऑब्जेक्टिव को सिक्योर एंड फुलफिल करने के लिए करता है। जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो सबसे प्राइम होते हैं। अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिवेलप करते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसके लिए नेशनल इंटरेस्ट ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम इस सेशन में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम इनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट। एक कंट्री के लिए उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइमरी इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो प्राइमरी इंटरेस्ट को मर्केंथाउ कैसे डिफाइन करते हैं? He said, preservation of physical identity, political identity and cultural identity, जिन्हें एक नेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्ट होते हैं। फिजिकली आइडेंटिटी, अपनी टेरिटरी को, अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना। पॉलिटिकल आइडेंटिटी, अपनी जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडेंटिटी है, मैटर्स है, इनको प्रिजर्व करना, अपने कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन को प्रिजर्व करना। तो हर एक नेशन के लिए ये तीन तरीके क्या होते हैं, सबसे प्राइम इंटरेस्ट होते हैं। इसके बिना नेशन वर्क नहीं कर सकता। एक नेशन की सॉवरेनिटी सबसे प्राइम होती है। अपने आप को प्रिजर्व करना ही क्या होता है, एक नेशन का नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, तब जाकर हम दूसरे ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसी तरह हम नेशन की बात कर रहे हैं, नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉवरेंटी होती है। अगर वो सॉवरेंटी चली गई, वो एक गुलाम देश बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्टेट बना रहे, उसके लिए जरूरी है अपने आप को प्रिजर्व करना। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना ही उसका प्राइम इंटरेस्ट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट के आगे बाकी सभी इंटरेस्ट सेकेंडरी हो जाती हैं। वो इतने मायने नहीं रखते जितने हमारे लिए ये मायने रखते हैं। जैसे हम COVID-19 की बात कर रहे हैं, इस टाइम ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, अपने आप को बचाना, सांसों को बचाना। मीन जिंदा रहने के लिए वो जरूरी है। हम ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत महसूस कर रहे हैं एंड उसको लेने के लिए हम हर एक एफर्ट्स कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू सेव अवर लाइफ, अपनी लाइफ को बचा सके। तो उसी तरह देश के लिए भी जिक सांसें के काम करती हैं। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, पहले अपने आप को बचाना होगा, तब जाकर हमारे दूसरे इंटरेस्ट होते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी आइडेंटिटी को बचाना ही प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। नंबर टू सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने प्राइमरी इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसके बाद आते हैं। पहले अगर हम सेफ हैं, हम बच गए, उसके बाद हम अपने और काम देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसीलिए सेकेंडरी इंटरेस्ट जे बाद में आते हैं, पहले आते हैं प्राइमरी। तो सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या होते हैं, जैसे हमारे सिटीजन्स हैं अब्रॉड में रहते हैं, वो चाहे स्टडी के लिए जाए चाहे काम करने के लिए जाए, तो उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना ये हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है। अगर वहां पर जाकर किसी अब्रॉड बाहर कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर हम लोगों के साथ जो इस देश से गए हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, उनके एक्सप्लाइटेशन हो, क्या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आइडेंटिटी बच सकती है? वो कहेंगे इन लोगों के साथ कुछ भी कर लो, इन देश की सरकार कुछ भी नहीं कहेगी। इट मीन्स क्या है, हमारा जी इंटरेस्ट है अगर हमारे देश से कुछ लोग बाहर जाते हैं तो उनको भी सुरक्षित करना हमारे ही इंटरेस्ट के आता है, क्योंकि उनको जब हम प्रोटेक्ट करेंगे तब जाकर ही हम अपने देश को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तभी जाकर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इमेज है, वो अच्छी बन पाएगी। लेकिन ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, पहले है अपने देश की टेरिटरी को बचाना, अपने देश की सॉवरेंटी को बचाना। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजंस अब्रॉड एंड इंश्योरिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है परमानेंट इंटरेस्ट, और इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। परमानेंट, हर एक देश का कुछ ना कुछ परमानेंट इंटरेस्ट होती है।
तो उनको हम अचीव करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। जो परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं जो प्राइमरी इंटरेस्ट की कैटेगरी में ही आते हैं, इसकी तरह ही आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल विद प्राइमरी इंटरेस्ट। जो हमारे परमानेंट इंटरेस्ट है जैसे सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, ये क्या है हमारे परमानेंट इंटरेस्ट है। सिक्योरिटी क्या है? अपने सिटीजन को सिक्योर करना, अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना, ये एक देश का परमानेंट इंटरेस्ट है। और हर एक देश अपनी सिक्योरिटी को क्या करती है, वो फुलफिल करती है, सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हर एक काम करती है, चाहे उसको डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने पड़े, चाहे मिलिट्री बेस बनाना पड़े, चाहे आर्मामेंट्स बनाने पड़े, इसके लिए हर एक देश काम कर रही है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी इंक्लूड होता है। जैसे आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डिवेलप कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, तो ये भी हमारी नेशनल इंटरेस्ट की कैटेगरी में आती है। देन सर्वाइव, हम चाहते हैं हम सिक्योर तो हो गए, अब हमको जीना भी है, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, जो जहाँ के लोग हैं इनकी लाइफ खुशहाल बने, प्रोस्पेरिटी, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, देश का इंटरेस्ट है। तो सर्वाइव करना भी क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट में ही आता है। पहले हम बाहर वालों से बचते हैं, फिर अपने देश के लोगों को प्रोस्पर करने की कोशिश करते हैं, उनके बेसिक नीड्स फुलफिल हो, उनको हर एक राइट्स मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, तो उनके प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना भी नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली खुशहाल बनना हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। मिलिट्री आर्मी ये सब इसीलिए तो है ताकि हम सर्वाइव कर सके। अगर कोई कंट्री हम पर अटैक करती है, अगर वो अटैक करके हमारी सॉवरेंटी को खत्म कर दे, तो हमारी सर्वाइवल क्या हुई, खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को स्ट्रोंग बनाना भी हमारा इंटरेस्ट ही कहलाता है। तो जी हो गया हमारा परमानेंट इंटरेस्ट। अब आते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता जाता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। वेरिएबल है जो चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाती है उसके साथ ही वेरिएबल इंटरेस्ट है वो भी चेंज होते जाते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड कोप अप विद चेंजिंग सिचुएशन। सिचुएशन के साथ अपने आप को कोप अप करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन करना, ये हमारा क्या है, वेरिएबल इंटरेस्ट है। जो वेरिएबल इंटरेस्ट होते हैं जी, किसके द्वारा डिटरमिन होते हैं, दे आर डिटरमिन्ड बाय क्रॉस करंट्स ऑफ पर्सनैलिटीज, पब्लिक ओपिनियन, सेक्शनल इंटरेस्ट, इनके द्वारा ही क्या होते हैं, डिटर्मिंड होते हैं। हमारे देश के लोग चाहते क्या है, हमको इस टाइम क्या करना चाहिए, इसके डिसीजन ही हमारा इंटरेस्ट बन जाता है कि लोग कह रहे हैं हमें इस कंट्री के कैसे रिलेशन बनाने हैं, इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। जैसे COVID-19 की वजह से हमने चाइना से क्या कर दिया, अपने रिलेशन बहुत ज्यादा कम कर दिए थे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जी कंट्रीज ने यही किया था कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस कम करने स्टार्ट कर दी, चाइना से अपने डिपेंडेंस क्या कर दी, खत्म करने स्टार्ट कर दी। खत्म तो नहीं हो सकती, चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जो हर एक कंट्री को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम आज कोई बात कहते हैं हम अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं वेरिएबल्स हैं, उनके इनपुट्स हैं, हम चाइना के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो हम अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। ये क्या था, वेरिएबल इंटरेस्ट बन गया जो COVID-19 की वजह से हमारे सामने आया। तो हो सकता है कि जी हमारा आज के टाइम शॉर्ट टर्म है, लोगों का ओपिनियन आने वाले टाइम में परमानेंट बन जाए, जब फिर जी सिनेरियो चेंज हो जाए, तो वेरिएबल इंटरेस्ट क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट जनरल इंटरेस्ट। जनरली सब लोगों के, सब इंटरनेशनल कम्युनिटीज के क्या इंटरेस्ट है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम कहते हैं पीस एंड हार्मनी क्रिएट करना, ये क्या है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। जी अकेले हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड हार्मनी हो, लेकिन इसको सभी कंट्रीज चाहते हैं। अब आज के टाइम में इसराइल और पैलेस्टाइन में जो वॉर हो रही है, क्या हम कोई खुश हैं, हम चाहते हैं जो वॉर हो, गाजा कंफ्लिक्ट कितनी ज्यादा हो रही है, हम चाहते हैं जी सब रिलेशन स्मूथ बन जाए, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, इसीलिए तो क्या कर रहे हैं हम, इस डिस्ट्रक्शन को बचाने के एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्या कर रही है, वो चाहती है जी इशू खत्म हो जाए, जो वॉर होती है वॉर से डिस्ट्रक्शन होती है, तो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी क्रिएट करना हर एक कंट्री का जनरल इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है। एंड इसके बाद इकोनॉमिक ट्रेड, डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करना, ये भी क्या है, हमारे जनरल इंटरेस्ट में आता है। देन स्पेसिफिक इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट,
जैसे टाइम के साथ साथ कोई स्पेशल इंटरेस्ट है उसको अपना फुलफिल करना। डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइम्स एंड स्पेस में हम डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स से डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे टाइम, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, इस सिचुएशन के चेंज होते हैं हमारे एक्शंस क्या होंगे। जैसे COVID-19 में हमने क्या कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स ड्यूरिंग COVID-19। क्यों किया, हर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल कर दी, ताकि हम अपने लोगों को प्रिजर्व कर सके, सिक्योर कर सके। जो हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है कि हमको कोरोना से अपने देश के लोगों को बचाना है, इसीलिए फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। कि जो परमानेंट होगा नहीं, जो टेम्परेरी नेचर का होता है, जो स्पेसिफिक है, हमने कोरोना से बचाने के लिए स्पेशल इंटरेस्ट क्या है, हमने कोरोना जैसी पेंडेमिक से बचाना है, हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। इसके लिए हर एक स्टेट जो भी एक्शन रिएक्शन करेगी वो इसके लिए नेशनल इंटरेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो चेते कुछ नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा जो T.W. रॉबिन्सन है वो भी क्लासिफाइड करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को, वो क्लासिफाइड करते हैं इन थ्री कैटेगरीज, आइडेंटिकल इंटरेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट एंड द कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट। आइडेंटिकल इंटरेस्ट कहते हैं जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेम होते हैं, कॉमन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट, जैसे पीस एंड हार्मनी क्रिएट करना, जे हर एक कंट्री चाहती है। क्योंकि अगर आप खुश होंगे हम भी खुश होंगे, आप खुशहाल हो तो हम भी खुशहाल, कम से कम वॉर का खर्चा तो बच रहा है। इससे हमारे कितने रिसोर्सेस है वो वेस्ट हो रहे हैं, जो हमारे देश के सिटीजन है उनका वेलफेयर तो हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कोई वॉर ना हो, पीस एंड हार्मनी क्रिएट हो। इसके लिए हर एक नेशन है वो ही एफर्ट्स करते हैं। नंबर टू, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक इशू पर एग्रीमेंट कर लेना, वो किस कैटेगरी में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। जैसे टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज होगी, हम चाहते हैं अगर कोई गुड हमारे देश में आ रहे उसमें हम टैरिफ लगाएं, लेकिन जो कंट्री उस माल को हमारी कंट्री में बेच रही है वो चाहती है कि इस पर टैरिफ कम से कम हो, जी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। इसमें हम कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो इसका सोल्यूशन निकल जाता है। आगे आते हैं कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं जिसके लिए वॉर का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, बॉर्डर इशू हो सकते हैं, उसको हम कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आज के टाइम में इसराइल एंड पैलेस्टीन, इन दोनों कंट्री के इश्यूज चल रहे हैं, ये भी कंफ्लिक्टिंग इशू हैं। अब हम अपने इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना की वॉर की बात करें, इसमें भी क्या है, जो हमारे बॉर्डर इशू है उनकी वजह से कन्फ्लिक्शन क्रिएट होती जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट के लिए लिए जा रहे हैं। वहां पर आर्मी है, हमारी आर्मी है, आपस में हम सिटीजन हैं, हम आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन एक देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लड़ने को तैयार हैं। इट मीन्स क्या है, जी हमारे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं जब हम बॉर्डर के लिए लड़ रहे हैं, तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इस पार्ट में आ जाता है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान का, इंडिया एंड चाइना का, हम सबका अपना अपना स्टांस है। हम चाहते हैं जो हमारी टेरिटरी है वो कहते हैं वो उनकी टेरिटरी है, तो हर एक का अपना अपना स्टांस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने हर एक एक्शंस करते हैं। तो ये क्या हो गया, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं कि देश के काम है वो इन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही किए जाते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।